मॉर्निंग हो चुकी है, 4:30 बज चुके हैं। तो अब हम लोग निकलने की तैयारी करते हैं। रात भर इसी पेट्रोल पंप पर रात गुजारे हैं। ये दूसरी बार है हम लोगों का एक्सपीरियंस। अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये लोग सो रहे हैं अभी भी। चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर ऑन द रोड अगेन। सो बहुत कुछ हुआ है इस बीच में लाइफ में, और मैं वो सब शेयर नहीं किया हूँ। चलो वो तो बाद में कभी बता देंगे आपको। अभी हम लोग पुणे से निकले हैं शिमला के लिए। बीच में रुकूंगा मैं सोनीपत। अभी मैं जहाँ पर हूँ वो जगह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो समृद्धि एक्सप्रेसवे के रूप में जानते हैं हम लोग उस साइड से, मुंबई साइड से। तो मैं उसी एक्सप्रेसवे पर रतलाम के बाद ऊपर चढ़ा हूँ और उस पर अभी ड्राइव कर रहा हूँ। कुछ भी चेंज नहीं है, वैसा ही है अभी जैसा उस साइड से था। यहाँ से दिल्ली 659 किलोमीटर दिखा रहा है। ये फूड कोर्ट यहाँ पर बन रहा है, रिफ्रेशमेंट रेस्टोरेंट, हाईवे पेट्रोल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, ट्रॉमा सेंटर, दोनों साइड से, एक साइड से नहीं है, दोनों साइड से। इधर जगह जगह पर दिख रहे हैं रेस्ट जो बन रहे हैं, अभी चालू हुए हैं कि नहीं ये इसका नहीं पता। पुणे से निकले थे 1:00 दोपहर में, लाइक आफ्टरनून का समय था। तो प्लान ये था कि हम लोग रात में ड्राइविंग करेंगे, और अगर थक जाएंगे तो धार या रतलाम में जाके हम लोग होटल ले लेंगे और रुक जाएंगे। तो जब हम लोग पहुँचे हैं ये इंदौर से पहले धार के लिए, जहाँ से रास्ता अलग होती है, उससे कुछ दूर पहले ही हमने एक पेट्रोल पंप पर, रात का समय था, जगह का नाम नहीं पूछ पाया मैं, तो वहाँ पर हमने पूछा, ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया कि भाई ये रास्ता ठीक तो है, क्योंकि हम लोग इंदौर वाले रास्ते तो हमेशा गए हैं तो वो तो पता है, बट इसके बारे में नहीं पता था। बोला सर रोड तो बहुत सही है, लेकिन रात में आप इधर से मत जाओ। कौन सा कुछ नाम लिया ड्राइव का कि भाई वो लोग ना गाड़ी हाथ से छीन लेगा चीज़ें, आप कुछ कर नहीं पाओगे, और ये जनरली आजकल हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा थम गए और रुक गए, मतलब हम लोग ये डिसाइड किए कि नहीं, अब जब बोल रहा है तो जानते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, और हम लोग पेट्रोल पंप पर ही रात बिता लिए 4-5 घंटे, और उसके बाद फिर हम लोग चल दिए मॉर्निंग में रतलाम होते हुए कोटा की ओर। गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे होटल से चेकआउट किए हैं अभी, और निकले हैं सोनीपत के लिए। वो होटल ले लिए कोटा में, स्टे अच्छा था, थोड़ा महंगा था, बट ठीक है, हम लोग ट्रिप पर निकले हैं तो महंगा सस्ता देखते हुए अच्छा एंजॉय जहां हो सके वैसे होटल को करके रुके, और अब निकले हैं सोनीपत के लिए। अराउंड टाइम हो रहा है अभी 10:45,
20 मिनट की गाड़ी चला चुका हूँ, तो मुझे लगता है सोनीपत हम लोग 6-7 बजे तक पहुँचेंगे। जयपुर से एग्जिट से आगे निकलकर पहली बार मुझे इस हाईवे पर, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर पहली बार फुल फंक्शनिंग फूड प्लाजा और रेस्ट रूम और पेट्रोल पंप ये सब मिले हैं इधर, इससे पहले तो हम कभी नहीं मिले थे। अभी हम लोग वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर है और मेरा पेट्रोल का मीटर बिल्कुल नीचे दिखा रहा है, ये लास्ट बार है और अभी भी हमको ऑलमोस्ट 63 किलोमीटर अभी और चलने हैं, जब हमारे पास 3 बार थे तब 138 किलोमीटर चलना था। पता नहीं इतना जल्दी क्यों, ये शायद नीचे वाले बार में थोड़ा कम ही लाइक 1 किलोमीटर कवर हो रहा है, तो लास्ट बार बचा हुआ है। अगर ये चला जाता है तो मुझे नहीं पता है कि और कितना किलोमीटर चल पाएगा ये, क्योंकि जब ऑडोमीटर पर से सारे फ्यूल वार ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ये कितना किलोमीटर खींचेगा ये नहीं मुझे पता है। मैंने ट्राई किया है अपने महालक्ष्मी मोटर्स के जो सेल्समैन थे उसको कॉल करके ये जानकारी लेने के लिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कितना किलोमीटर कवर कर पाएंगे। एक भी पेट्रोल पंप पिछले 130 किलोमीटर से इस हाईवे पर नहीं दिखा है, जहाँ से हम लोग पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चढ़े हैं वहाँ से हम लोग को 130 किलोमीटर कवर करना था, तो अभी तक एक भी मुझे नहीं पता था कि इस पर पेट्रोल पंप नहीं है और एक भी नहीं दिखा है। तो लेट्स सी, होपफुली वी शुड रीच आवर डेस्टिनेशन ऑन टाइम।